Hello dear friend, welcome to your channel Swami Vivekanand Technique Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, class 12 में physics में हम लोगों की first chapter और second chapter का जितने भी theory है आप लोगों का, जो भी आप लोगों का NCERT का syllabus है, मैंने आप लोगों को वो one by one करके सारी topics को पढ़ा दिया हूँ. आज बहुत ही important हम लोगों के लिए class जो होगी, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं next chapter, that is chapter number 3rd, current electricity. So current electricity को समझने से पहले बच्चों, पहले हम लोग समझेंगे कि इस chapter का content क्या है. मतलब हम लोग जैसे कोई भी चीज स्टार्ट करने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई होगी, तो इससे पहले इस चैप्टर का पूरा मैं आप लोगों को एक समराइज कंटेंट्स को पहले समझाऊंगा, फिर वन बाय वन करके सारी टॉपिक्स को आपको पूरा थ्योरेटिकल और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर कराऊंगा. तो देखिए, आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं सारे कंटेंट्स कि इस चैप्टर में क्या आप लोगों को पढ़ना है. सो ओके, देखिए स्क्रीन पे. तो देखिए चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट है क्या. तो जैसा कि बच्चों आप लोग जो है 10th क्लास में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में भी चैप्टर थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से भी आप लोगों को बेसिक नॉलेज की जानकारी होगी कुछ कुछ. और यदि बेसिक नॉलेज आप लोग को और चाहिए तो आप लोग जो है 10th क्लास में जो है वहां से भी आप लोग देख सकते हैं. तो देखिए इसमें जो पहला है इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट के बारे में आप लोग को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, जो बेसिक चार्ज का कॉन्सेप्ट, जो सिंपल सा I इक्वल टू क्यू बाई टी जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, कंडक्टर में क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, चार्ज का फ्लो क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप लोग पहले भी सुने हैं और 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट भी था आप लोगों के लिए, V इज इक्वल टू आई आर. तो इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे 12th क्लास में फिर से. और फिर इसके बारे में जो है रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो था हम लोग पढ़े थे रेजिस्टिविटी, तो इसमें रेजिस्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट है. कुछ बहुत कुछ जाना पहचाना टॉपिक है आप लोगों का जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं. अब देखिए इसमें जो ये रिलेशन है आप लोगों के लिए नया होगा, जो कंडक्टिविटी जो ये सब है, ये सब के बारे में थोड़ा सा करंट डेंसिटी पढ़ना होगा. ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये सब है कॉन्सेप्ट, बहुत ही इस सब में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ. और ये सब देख रहे हैं छोटे छोटे डेरिवेशन से कुछ कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना होगा. और ये जो बेसिक एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल ये सब में भी आप लोग को मैं कराने वाला हूँ. मोबिलिटी क्या होता है ये सब का कॉन्सेप्ट को मैं आप लोग को समझाऊंगा. और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशंस है, ओम्स लॉ तो समझते हैं, लिमिटेशन के बारे में भी समझेंगे. और रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में क्या रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट होगा, ये सब के बारे में हम लोग इसको स्टडी करेंगे. हाँ, और हम लोग फिर डायोड्स रजिस्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. कलर कोड ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को इसे हम लोग देखते हैं ना, रजिस्टर घर में आप लोग खरीद के लाते हैं तो कलर का कोडिंग को देख करके उसका क्या क्या रेजिस्टेंस होगा, कितना ओम का रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग कलर कोड से पता करेंगे. टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर में किस प्रकार से डिपेंडेंट होगा, इस सब फॉर्मूले के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे. तो इसमें डरना नहीं है, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाऊंगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, इस सब के बारे में भी आप लोग देखिएगा 10th क्लास में पढ़े होंगे, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, सो वही सब फॉर्मूला फिर से आप लोग को आएगा. तो ये चैप्टर जो है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होगा, इजी इसीलिए होगा बच्चों क्योंकि आप लोग जो है कि 10th क्लास में करंट के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को पहले से है, तो आप लोगों को जानकारी है तो इसीलिए थोड़ा सा इजी होगा. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था 10th क्लास में, देखिएगा समझिएगा. सीरीज पैरेलल लगाते थे हम लोग रजिस्टर को, है ना, इसका बेसिक क्लास अवेलेबल है 10th क्लास का वीडियो में, मैं यहाँ फिर से बताऊंगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं फिर से समझाऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से. तो देखिए सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे. हाँ, ये चीज आप लोग के लिए नया होगा, सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, बैटरी का कनेक्शन, बैटरी का सीरीज पैरेलल का कनेक्शन, बैटरी को कैसे हम लोग सीरीज में पैरेलल में कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे और क्या क्या हम लोग उसमें डेरिवेशन होगा, सिंपल सा जो हम लोग का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको समझेंगे. अब कुछ बेसिक बेसिक जो न्यूमेरिकल है इसमें आप लोगों को कराऊंगा, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस बार के लिए, तो ये कुछ नया है आप लोगों का, तो ये सब जो है अच्छा समझना है. हाँ, किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लस टू एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ, है ना. और देखिएगा मेरा SBTT इलेक्ट्रिकल हाफ चैनल में ये सब जो है वीडियो बना हुआ है किरचॉफ्स रूल, ये सब सारे का वहां से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. और ये सब जो देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, इसे सर्किट में आप लोग को बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा. व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्लस टू एग्जाम में अक्सर पूछती है, कंपटीशन एग्जाम में भी
हमेशा आती है ये सबसे क्वेश्चंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। मीटर ब्रिज होता है ना, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पोटेंशियोमीटर तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोग समझेंगे, पोटेंशियोमीटर का क्या यूज है, पोटेंशियोमीटर का कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन है, कैसे एक्सप्रेशन है, कैसे हम लोग दो ईएमएफ का कंपेयर करते हैं, सेल का रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को, ईएमएफ को कैसे निकालते हैं, ये सब एक्सप्रेशन के बारे में जो है कि आप लोग वन बाय वन वीडियो में आप लोग के लिए बनाऊंगा और वन बाय वन वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर जो है कि इंपॉर्टेंट है। और बात यहाँ पर इस बात से है कि आप लोगों को बहुत सारा चीज जो है टेंथ क्लास में आप लोग पढ़े हैं और ये देख सकते हैं, ये सब जो इसका जो एक्सरसाइज होगा, इस एक्सरसाइज को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को इसमें से कराने वाला हूँ। तो देखिए ये सब जो देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलना, ये सब मैं आप लोग को कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों। सो ओके बच्चों, देखा आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो ये क्लास भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जैसे कि लास्ट क्लासेस थी, जिसमें मैंने वन बाय वन में थ्योरी आप लोगों को बताया था। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जो हायर स्टडीज मतलब बीटेक कीजिएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा, तब भी यदि आप लोग कोई भी ब्रांच लेते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई में ये सब सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को काम आएगी। हाँ, और एक चीज बच्चों मैं आप कहना चाहूंगा कि आप लोगों को और थोड़ा सा हायर यदि नॉलेज का जरूरत चाहिए, ऐसा कभी लगे तो मेरा जो सेकंड चैनल है जिसमें देखिएगा SBTT इलेक्ट्रिकल हब, तो उसमें भी बहुत सारी जो है कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाएगी यदि कुछ हाइयर आप लोग समझना चाहिएगा। तो क्या है कि दोनों आप लोगों को अवेलेबल है। सो आप लोग जैसे कि प्लस टू के बाद यदि स्टडी करना रहेगा, बीटेक के सारे टॉपिक आप लोग वहां पर से भी कवर हो जाएगी। तो ओके बच्चों, आप लोग आशा करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मन से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, वन बाय वन करके सारे वीडियो आप लोगों को अवेलेबल होगी। सो डरने का बात नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।